स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोबिला ऑफ टिनिया। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कोडिटा के अंदर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, व्हाट इज स्ट्रोबिला ऑफ टिनिया। तो टिनिया की, स्ट्रोबिला को समझने से पहले हमें टिनिया की बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये टिनिया सोलियम की बॉडी है, ठीक है। ये जो आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, इसका माउथ होता है, ठीक है। यानी कि इसका माउथ का ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा सेक्शन है। बाकी मुंह को छोड़ करके इसकी कंप्लीट बॉडी जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला, ठीक है। यानी इसके माउथ वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दें और गर्दन वाले पार्ट को, तो बाकी कंप्लीट बॉडी कहलाती है इसका स्ट्रोबिला, ठीक है, जो कि सेगमेंटेड होती है। इसकी कंप्लीट बॉडी, टिनिया सोलियम की जो पूरी बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, यानी खंडों में डिवाइड रहती है, और इसे हम टैपवर्म के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला आप समझ गए होंगे कि उसकी गर्दन को छोड़ करके, यानी मुँह को छोड़कर, टिनिया के ग्रीवा यानी सर्विक्स के बाद कंप्लीट बॉडी स्ट्रोबिला कहलाती है, और यह सेगमेंटेड होती है, और इसमें 800 से 1000 खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो खंड सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, इनकी संख्या 800 से 1000 तक हो सकती है। तो बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेड होती है, जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। हर सेगमेंट को आप क्या कहेंगे, प्रोग्लोटिड्स, राइट। और प्रत्येक सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक कंप्लीट सेट होता है, और इस टाइप से बॉडी सेगमेंट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सिक्वेंसली लीनियर एक अरेंजमेंट दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्लोटाइजेशन। ये जो है सिक्वेंसली लीनियर प्रोग्लोटाइजेशन कहलाता है, और इसकी बॉडी में 3 टाइप्स के सेगमेंट पाए जाते हैं। और ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे 3 टाइप्स के, किस बेस पर डिवाइड किया गया है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो मैच्योरिटी है उसके बेस पर। तो ऐसे प्रोग्लोटिड जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कम मैच्योर है उसे हम क्या बोलेंगे, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, और ऐसे जिसमें पूरी तरह से मैच्योर है और एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। तो थ्री टाइप के सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी कंप्लीट बॉडी के अंदर। डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रोबिला ऑफ टिनिया, तो आप इसके बारे में इतना लिखेंगे, और साथ में आप चाहें तो इस डायग्राम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं टिनिया वॉर्म, टिनिया मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है स्पीसीज होती है, तो मेन डायग्राम जो होगा वो यही रह जाएगा। आप इस तरह से एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें इसका माउथ होगा, और इसकी कंप्लीट बॉडी को आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यही है इसका स्ट्रोबिला, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रोबिला कहलाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।